नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र मौर्य आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का इकाई अंक वाला सिलेबस डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने जितने भी टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं ने मैं ऐसी आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, आज उसी के क्रम में हम लोग आज इकाई अंक को पढ़ने चले हैं। दोस्तों, इकाई अंक को पढ़ने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 5, 4, 3, 2, 1, जैसे मैंने लिख दिया, तो मैंने जब आपको स्थानीय मान पढ़ा रहा था, मैंने बताया था अगर हम राइट साइड से चलना स्टार्ट करें तो जो पहला अंक आएगा उसे हम कहेंगे इकाई अंक, वही जो हमारा क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका इकाई अंक। यह क्या कहलाएगा आपका? इकाई अंक। यही क्या कहलाएगा आपका? इकाई अंक। और कभी कभी प्रश्न में यह पूछ लेता है कि जो संख्या लिखा हुआ है उसका अंतिम अंक क्या होगा, इसी को हम कभी कभी प्रश्नों में देख लेते हैं, अंतिम अंक नाम दे करके पूछ लेता है। तो अगर अंतिम अंक नाम देता तो भी आप इसी के माध्यम से बताओगे, इकाई अंक जो होगा वही आपका अंतिम अंक भी बताए, ठीक है। यही होता है, इसका छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इकाई अंक जो होता है, जो पहला वर्ड आएगा वही हमारा क्या होगा, पहला अंक जो आएगा वही हमारा क्या होगा, इकाई अंक होगा, इसी को हम अंतिम अंक कहते हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से चीजें क्वेश्चन के रूप में बनेंगी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर तीन प्रकार से बनते हैं। एक बनेगा साधारण प्रश्न, एक बनेगा आपका साधारण जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन्हीं चार चिन्हों का उपयोग कर हम लोग निकाल रहे हैं। जो अगला बनेगा वह बनेगा आपका घात पर आधारित प्रश्न। क्या बनेगा? घात पर आधारित प्रश्न, यानी कि इसमें कोई संख्या लिखी होगी, मान लीजिए कोई अंक संख्या लिखी हुई है 123, इसकी कुछ घात होगी, इसकी कुछ घात होगी, मान लीजिए 123, यानी किसी संख्या की कुछ घात होगी, उस पर आधारित प्रश्न बनेगा। एक तीसरा जो बनता है क्रमगुणित, क्रमगुणित संख्या पर, क्रमगुणित संख्या जो होगी इसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर पर, ठीक है, फैक्टोरियल नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तीन प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप साधारण एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यही दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और तीसरा जो है क्रमगुणित, यह अच्छे एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वह SSC हो, ठीक है, रेलवे में भी पूछा गया है, ठीक है, और कैट में पूछा जाता है, मैट में पूछा जाता है, इन सब एग्जामों में UPSSC भी पूछता है कभी कभी, ठीक है, इन सब एग्जामों में हमारा क्रमगुणित वाला क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन साधारणतः जितने एग्जाम होते हैं वहां पर साधारण प्रश्न और घात वाले प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम साधारण प्रश्न को पढ़ेंगे, किस आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर उसके पश्चात हम लोग घात पढ़ेंगे और सबसे अंत में क्रमगुणित पढ़ेंगे, ठीक है। क्रमगुणित संख्या पर आधारित प्रश्न को हम पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग साधारण प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसमें कितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और कैसे प्रश्न बनते हैं उनको अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, जो टाइप वन है हम लोग साधारण प्रश्न वाले, हम साधारण जो प्रश्न बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 54231 गुणे 52 13, अगर इसका हम इकाई अंक आपसे पूछें आप क्या करोगे? अगर बेसिक हम बात करें, इसका फंडामेंटल की बात करें, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, आप क्या करोगे? आप लिखोगे सर 5, 4, 2, 3, 1 गुणे क्या करोगे आप 5, 2, 1, 3, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही आपने इसका मल्टीप्लाई किया कितना 3, इसका मल्टीप्लाई किया कितना है 9, ऐसे आप मल्टीप्लाई करते हुए चले गए। और पुनः जब आपको मल्टीप्लाई करना हुआ आप एक अंक यहाँ पर एक डिजिट एक प्लेस छोड़ देते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो 1 गुणे 1 लिखते हो, फिर क्या लिखोगे 3, इसी तरीके से इसका भी मल्टीप्लाई करते आप चले जाओगे। फिर जब अगला नंबर मल्टीप्लाई करना होगा तो 1 प्लेस 2 प्लेस आप छोड़ोगे, 1 अंक 2 अंक हो गया, तीसरे अंक पे जाओगे तो 2 अंक आप छोड़ करके बात कर रहे हो, अब क्या लिखोगे आप 2 1 2, अब फिर क्या लिखोगे 2 3 6, इसी तरीके से आप बढ़ते हुए ले जाओगे, आप अपना मान निकालते हुए चले जाओगे।
जैसे पांच से करना हुआ तो आप तीन प्लेस छोड़ोगे, यानी कि आपने देखा जो पहली बार इसका मल्टीप्लाई किया था जितना आया था थ्री आया था वही मान इकाई अंक पर आ रहा। अगर ऐसा हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि जो पहली बार संख्या का मल्टीप्लाई करने पर इकाई अंक आ रहा है तो हमने डायरेक्ट कहा यहाँ पर सर अगर इसके इकाई अंक को इसके इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा मान क्या होगा आ जाएगा, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वह क्या आएगा दोस्तों तीन आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा तीन आएगा। लेकिन ये बहुत एकदम सिंपल सी बात हुई, बेसिक फंडामेंटल हो गया ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, एकदम बेसिक शुरुआत है इसकी। यहां से हमने ये सीखा कि अगर दोनों के इकाई अंक को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा यूनिट डिजिट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यूनिट डिजिट जो है ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ये तो हमने कॉन्सेप्ट को सीख लिया किस तरीके से प्रश्न आते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न अब हमारे एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। कैसे प्रश्न आएंगे, अगर आप छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हो छोटे मोटे एग्जामों में जो प्रश्न आते हैं सिंपली दे देगा, क्वेश्चन नंबर दे देगा, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 5 2 3 1 4 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने संख्याओं को, जब ऐसे आपसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अब हमसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, आपको इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका आपको क्या बताना है यूनिट डिजिट बताना है। अगर इसका हम यूनिट डिजिट बताने का प्रयास करें तो आप कहोगे सर दोनों के अगर इकाई अंक को हम आपस में जोड़ रहे हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारा क्या होता है इकाई अंक पता चल जाता है। अगर इन दोनों का इकाई अंक निकालना होगा आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 18। अब ये एक संख्या ये नई आई, इसके इकाई अंक को अगले इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसका इकाई अंक कितना आया था 8 आया था, इसका इकाई अंक कितना है 9 है। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 9 8 कितना आ गया दोस्तों 72 आ गया। अब 72 में जो इसका इकाई अंक आया है इसका इकाई अंक इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके इकाई अंक के साथ 2 आया, 72 कम 72 पुनः इकाई अंक क्या आ गया हमारा 2 आ गया, इकाई अंक 2। अब इसके इकाई अंक को अगले संख्या के इकाई अंक के साथ मल्टीप्लाई करोगे आप, अगले अंक के इकाई संख्या इकाई अंक से मल्टीप्लाई किया आपने कितना है 2 3 6 अब 6 इकाई ही है, इकाई का इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया 7 6 42, यानी कि यहां से आपको पता चला 42 आ रहा है, अगर 42 आ रहा है 42 का इकाई अंक कितना है 2 है, यानी कि जो प्रश्न आपसे पूछा गया था इसका यूनिट डिजिट 2 होगा वह क्या होगा 2 होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों 2 होगा। लेकिन प्रश्न और भी तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए ये प्रश्न था एकदम आसान प्रश्न, इसका इकाई अंक कैसे निकालोगे आप, गुणे में दी हुई संख्या है, अगर गुणे में संख्या दी हुई है और मुझसे प्रश्न में यह न पूछे इसका इकाई अंक क्या होगा, किसी एक संख्या को हटा दे किसी एक बीच की संख्या के इकाई अंक को हटा दे और हमसे यह पूछे इसका इकाई अंक दिया हुआ है तो आपको बताना है वहां पर संख्या क्या क्या हो सकती है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम आपके सामने, मैंने लिखा 724 × 866 × 3246 × 83 * 83 *, इंटू 468 ऐसे मैंने संख्या लिख दी, इकाई अंक 6 हो तो जो मैंने ये स्टार बनाया हुआ है ना इसका मान क्या हो क्या? अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन मैंने ये पूछा कि इसका मान क्या होगा, मैंने दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे आपसे और पूछ रहा हूं कि संभव मान स्टार के संभव मान क्या क्या हो, ये संभव मान क्या क्या होंगे। चलिए पहले दो क्वेश्चन को करते हैं, इसमें मैं 5 से 6 प्रश्न बताने वाला हूं आपको, इसलिए मैं पहले दो प्रश्नों को बताने का प्रयास कर रहा हूं, दो प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। अच्छा मैंने आपको इसको हल करने का तरीका बताया कि इकाई अंक का अगली संख्या के साथ इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दो, जो इकाई अंक आए फिर अगली संख्या क्या आपने मल्टीप्लाई किया कितना आया 24, कितना आया 24, 4 का मल्टीप्लाई अगली संख्या के इकाई अंक से मल्टीप्लाई कर दो
फिर कितना आ गया 24, कितना आ गया 4। फिर अगली संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, उसको छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर चर राशि दी हुई है, यहाँ पर हम चर राशि दी हुई है, यहाँ पर हम कुछ कार्य नहीं कर पा रहे, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे। इस संख्या को आप छोड़ करके आखिरी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 8 जैसे आप करोगे आ गया कितना 32, कितना आ गया 32, कितना आ गया 32। यानी कि यहां पर जो वैल्यू आई वह आ गई 2, कितनी आ गई 2। अब आपसे कहा है का इकाई अंक 6 है और हमको चाहिए था इकाई अंक कितना 6, और 6 किसकी वजह से मिलता, जो ये स्टार है इसकी वजह से मिलता, और हम दो में किस संख्या से मल्टीप्लाई, किस अंक से मल्टीप्लाई करें हमारा इकाई अंक जो है वो क्या आ जाए 6 आ जाए। यहाँ पर एक ही अंक गायब है, इसका मतलब केवल इकाई अंक ही गायब होगा, चाहे वह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, या 9 हो सकता है, कोई भी एक अंक हो सकता था। तो अगर मैं कहूँ, अगर सबसे छोटे अंक की बात करो, अगर हम 3 यहाँ पर रख देते, क्या ये मान हो जाता कि नहीं, 3 × 2 = 6, यह एकदम हो सकता था, 3 × 2 = 6, और हमारा इकाई अंक अगर इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते, जो हमारा इकाई अंक दिया हुआ है उससे इक्वल आ जाता। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया 3 × 2 = 6 और हमारा इकाई अंक आ गया। लेकिन दोस्तों तो है, इसका मान जो हो गया वो कितना हो गया 3 हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यह न्यूनतम मान है इसका, न्यूनतम मान। कभी भी ऐसा प्रश्न आपसे पूछता है तो उसके दो उत्तर सही होंगे, एक होगा उसके न्यूनतम मान होगा, एक जो होगा उसका अधिकतम मान होगा। अभी अधिकतम मान क्या हो सकता है, अधिकतम मान क्या हो सकता है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर 3 की बजाय हम एक संख्या और ले लेते, वह क्या लेते 8, 8 × 16, जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारा क्या आ जा रहा है, आंसर आ जा रहा है 6, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है, यानी कि जो इसका अधिकतम मान होगा वह कितना होगा। दोस्तों मजे की बात यहाँ पर यह है, अगर आपने न्यूनतम मान निकाल लिया है तो अधिकतम मान जो होगा सदैव 5 का अंतर होगा, यानी कि न्यूनतम और अधिकतम में, न्यूनतम में अगर 5 प्लस कर दोगे तो हमारा अधिकतम मान आ जाएगा, न्यूनतम में अगर आप 5 प्लस कर देते हो तो हमारा अधिकतम मान आ जाएगा। न्यूनतम 3 था, 3 में आपने 5 प्लस किया, हमारा कितना आ गया अधिकतम मान आ गया, अधिकतम मान कितना होगा हमारा 8 होगा। अब यहाँ पर इसके संभव मानों को पूछा था, जो मैंने स्टार बनाया है इसके संभव मानों को पूछा था, सदैव संभव मान कितने हो जाएंगे इसके, इसके 2 संभव मान होंगे, कितने संभव मान होंगे 2, कौन कौन से 3 और 8, 3 और 8 क्या होंगे इसके संभव मान होंगे। न्यूनतम मान पूछेगा तो 3, अधिकतम मान पूछेगा तो 8, संभव मान कितने हो जाएंगे 2, क्योंकि 2 ऐसी संख्याएं हैं जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमारा इकाई अंक कितना आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। अच्छा दोस्तों एक प्रश्न पूछ सकता है, वह प्रश्न ये पूछेगा कि अगर मान लीजिए कि अधिकतम अंक यक्स है और न्यूनतम अंक कितना है वाई हो, तो आपको बताना है 3x + 8y का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। अच्छा ये बताओ, आपको मैंने बताया कि अगर न्यून अधिकतम अंक है, यानी कि x बराबर क्या हुआ हमारा 8 दिया हुआ है, x बराबर कितना दिया हुआ है 8, यहाँ पे 3 × आप क्या लिखोगे 8, प्लस y का मान कितना दिया हुआ है, न्यूनतम अंक का मान दिया हुआ है y का मान दिया हुआ है 3, यानी कि 8 × क्या करोगे आप न्यूनतम अंक y का मान दिया हुआ है 3, न्यूनतम अंक y है तो न्यूनतम अंक हमने कितना निकाला था, जैसे ही आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 8 × 24 प्लस 8 × 3 कितना हो गया 24 कितना आ गया दोस्तों 48 जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा, 3x + 8y का मान जो कितना होगा 48 होगा। एक टाइप तो ये बना आपका सिंपल क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं इसमें कुछ भी पूछ सकता था आपसे, न्यूनतम मान अधिकतम मान, और अधिकतम अंक अगर x को प्रदर्शित करता है, न्यूनतम अगर y को प्रदर्शित करता है, 3x + 8y, ऐसे कुछ भी प्रश्न बना सकता था एग्जाम। ठीक है, जो भी प्रश्न बनेंगे आप इतने आसानी से इसको कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा।
ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में और ऐसे बने भी हुए हैं, क्योंकि ये मैं किसी बुक से ही उठाया हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वहां से उठा करके मैंने आपको जितने संभावित प्रश्न हो सकते थे इस टाइप में मैंने आपको करा दिए। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली है सामने, वो चीजें आपको समझना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा एक बार एग्जाम में, क्वेश्चन क्या था, उसने कहा 81 × 82 × 83 … 89 का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक, इसका इकाई अंक आपसे पूछा। अगर इसका इकाई अंक आपसे निकालने की बात कर रहा है, अच्छा है आप ये बताओ अगर ये चीज आगे बढ़ रही 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 और 89 तक जाएगी। यहाँ से अगर हमने देखा 81 के बाद आ रहा है 82 आ रहा, फिर 83 आ रहा, फिर 84 आएगा, फिर अगला क्या आएगा 85 आएगा, फिर अगला क्या आएगा 86 आएगा, 87 आएगा, 88 आएगा और 89 आ जाएगा, फाइनली 89 आएगा। अच्छा दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इकाई अंक अगर 5 है, अगर इकाई अंक कहीं पर भी किसी भी सीरीज में आने वाले सीरीज में मल्टीप्लिकेशन में अगर इकाई अंक 5 है और उसके साथ अगर कोई भी सम संख्या आ रही है, उसका मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सदैव कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि अगर इकाई अंक किसी सीरीज में 5 आ रहा है, उसके साथ कोई सम संख्या आ रही है, उसका सदैव इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा। इकाई अंक सदैव कितना होगा उसका, 0 होगा। इकाई अंक सदैव कितना होगा, 0 होगा। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ तब तब के लिए है जब इकाई अंक सम और 5 का मल्टीप्लिकेशन बीच में आ रहा हो। अगर सिर्फ और सिर्फ विषम संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक सीरीज और दी, अगला क्वेश्चन जो बन रहा है वह कह रहा है 81 × 83 × 85 … 109 … 109। यहां तक का आपसे मैंने मल्टीप्लिकेशन करा लिया, ठीक है, यहां तक मैंने आपसे मल्टीप्लिकेशन कराया। सभी देख रहे हैं विषम अंक है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। और यानी कि विषम संख्याओं का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आपको चेक करना पड़ेगा इकाई अंक क्या रहा, जैसे मान लीजिए आपने 5 × 15 = 15 या 5, 5 × 5 = 5। अगर हम आगे लिए होते 87, कितना आ जाता, 7 × 5 = 35। यानी कि जब कभी भी विषम संख्याओं के साथ इकाई अंक निकालना होगा आपको, अगर 5 बीच में मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, उसका सदैव और सदैव जो इकाई अंक होगा दोस्तों, उसका सदैव इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक सदैव उसका 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा, उसका सदैव इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। अच्छा चलिए अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया कि इकाई अंक इसका 0 है और इसका 5 है, चलिए आगे हम देखते हैं क्या होगा। आगे ऐसे सिंपल ही प्रश्न अभी हम लोग करेंगे इकाई अंक पे, फिर उसके बाद हम लोग फैक्टोरियल पे आएंगे, घात पे भी आएंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों को आगे भी हम करेंगे। चलिए अगला देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन 8138 × 121 − यहां पर है 849 − 849, इसका इकाई अंक बताइए, का इकाई अंक होगा, का इकाई अंक, अच्छा दोस्तों आप एक चीज ये बताओ, इसका इकाई अंक निकालना चाहेंगे कितना गया, 8, कितना आया, 8, 8 माइनस क्या हो गया, इसका इकाई अंक कितना है, 9। अगर इन दोनों के इकाई अंक को माइनस कर सकते हैं क्या, पहले आप ये बताओ, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या में से क्या बड़ी संख्या माइनस हो सकती है, नहीं हो सकती।
यानी कि यह पॉसिबिलिटीज हमारी नहीं बन पाएगी। अच्छा, ऐसे प्रश्नों को करना क्या है? ऐसे प्रश्नों में आपको करना ये है, आपको तो पहले आप नंबर्स को दूसरी संख्या में माइनस कर रहे हो, कौन सा बड़ा है। अगर जो संख्या है और उसका इकाई अंक छोटा आ रहा है, अगर जो नंबर जो संख्या बड़ा है उसका इकाई अंक छोटा आ रहा है, जो दूसरा नंबर है अगर वह छोटा है उसका इकाई अंक बड़ा आ रहा है, ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर एक शेष ले लो, वहां से एक उधार ले लोगे। जैसे यहाँ से एक उधार लोगे, अब कितना बच गया दोस्तों, यह 18 बन गया। जैसे यह 18 बना, 18 में से 9 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9, यानी कि इसका इकाई अंक जो होगा वह कितना हो जाएगा। फिर से देखिएगा, अगर जैसे यह संख्या दी हुई है, संख्या यह बड़ी है और उसका इकाई अंक अगली छोटी संख्या से इकाई अंक से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो आपको यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। जैसे आप उधार लेते हो वैसे यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में से जो छोटी वाली संख्या का इकाई अंक था उसको जैसे ही माइनस करोगे आप, आपका उत्तर आएगा, वह जो उत्तर होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वही उस संख्या का इकाई अंक प्रदर्शित करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे और कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं, और कैसे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह कुछ इस तरीके से बन सकता है, जैसे मैंने लिखा 10723 गुड़े 10723 गुड़े 51 प्लस 8 माइनस प्लस 8 माइनस 3 प्लस 4 गुड़े 20, यह क्वेश्चन लिखा मैंने। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका इकाई अंक ज्ञात करो, इसका यूनिट डिजिट ज्ञात करो, इसका इकाई अंक ज्ञात करो, क्या होगा दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन पहले आ जाता है आपको एग्जाम में, तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक फॉलो करना है, और बेसिक नियम आपका क्या कहता है, बॉड मास, बॉड मास। सबसे पहले ब्रेकेट, फिर क्या डिवीजन, फिर क्या मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या एडिशन, फिर क्या सब्सट्रैक्शन। क्या यहाँ पर ब्रेकेट है, क्या यहाँ पर भाग है, ब्रेकेट और भाग नहीं है, तो अगला सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा हमारा, मल्टीप्लाई का। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर कितना आ गया, 280। अब ध्यान दीजिएगा 3 - 8 प्लस, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इकाई अंक को मल्टीप्लाई कर दो, 3 * 3 = 3 अब क्या करोगे आप, अब इसको माइनस कर लो आपस में। जैसे ही आपने माइनस किया, यहाँ से इकाई अंक बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, यहाँ से इकाई अंक आया 5 और यहाँ से इकाई अंक कितना आया 3, और प्लस यहाँ से इकाई अंक कितना आया 0, और सभी को आप इकाई अंकों को जोड़ दो, कितना आ गया 5 * 3 = 8, यानी कि जो इस प्रश्न का इकाई अंक होगा वह कितना होगा, 8। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको बॉड मास को फॉलो करना है। अगर मल्टीप्लाई और जोड़ घटाना गुणा भाग सभी को ऑपरेशन कराया गया आपसे, ऐसे प्रश्नों में आप बॉड मास को अप्लाई करेंगे, बॉड मास के अकॉर्डिंग ही आप ऐसे प्रश्नों को पहले ब्रेक ओपन करेंगे। जैसे कि आपको सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्रिया करनी थी, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, ये क्रियाएं आपको उस क्रम में करनी थी। ठीक है, अगर इस क्रम में कर रहे हैं तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा, अगर वैसे करने का प्रयास करते आपका क्वेश्चन क्या हो सकता था, वह गलत हो सकता था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ के सारे कॉन्सेप्ट जितने थे साधारण प्रश्न के, सारे कॉन्सेप्ट को मैंने क्लियर कर लिया, साधारण टाइप से जितना प्रश्न बन रहे थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने तकरीबन हल कर लिया है। अब जो हम लोग अगला टाइप पढ़ेंगे वह घात पर आधारित प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, अगर किसी संख्या में मल्टीप्लीकेशन होते समय 0 आ रहा है, जैसे मान लीजिए 11 * 12 * 13 · 25 तक का, 25 तक का आपको सीरीज क्या करना है, इकाई अंक बताना है। अगर यहाँ पर अगर किसी मल्टीप्लीकेशन में कहीं भी 0 आ रहा है, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा सदैव, उसका यूनिट डिजिट सदैव क्या होगा, 0 होगा। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या क्या आती, 10 यानी कि 0 का किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसका मान सदैव क्या होगा, उसका मान सदैव 0 होगा। यानी कि 0 अगर कहीं भी किसी भी सीरीज में बीच में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, उसका मान सदैव क्या होगा, उसका मान यूनिट डिजिट सदैव कितना होगा दोस्तों, 0 होगा। यही एक लास्ट आपके एग्जाम पॉइंट आपके उससे बचा हुआ था। तो अब ये चीजें कभी कभी ऐसा प्रश्न जो है ऐसे पूछेगा
आपको सीरीज दी हुई होगी, बीच में 10 वाला संख्या जैसे मैंने नहीं लिखा, ऐसे ही प्रश्न आएंगे और आपसे पूछ लेगा यह अंक क्या होगा। आप साधारण मल्टीप्लाई करते हुए बताओगे, सर बीच में एक ऐसा भी अंक आ रहा है, ऐसी संख्या आ रही है जिसमें एक इकाई अंक उसका जीरो हो रहा है, और उसका इकाई अंक जीरो होने का तात्पर्य हुआ इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट भी जो क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम आगे। अगला जो बनता है यहाँ पर घात पर आधारित प्रश्न बनते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था साधारण प्रश्न थे, यहाँ पर हम टाइप टू की बात करेंगे। घात पर आधारित प्रश्न, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पावर पर आधारित प्रश्नों की। अब ध्यान दीजिएगा, पावर पर आधारित प्रश्नों को करने से पहले आपको साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए था? साइक्लिसिटी पता होनी चाहिए थी आपको, यह चक्रियता पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? चक्रियता। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी, चक्रियता का कॉन्सेप्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चक्रियता। चक्रियता होती क्या है? चक्रियता किसी भी संख्या का, किसी भी एक अंक का बार बार मल्टीप्लाई करने पर कितने अंकों के बाद उसका रिपीटिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आप जीरो में किसी संख्या के, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई कर दो, आप वो क्या होगा सदैव, उसका मान कितना आएगा? जीरो। यानी कि इसकी जो साइक्लिसिटी होगी, इसकी जो चक्रियता होगी वह कितनी होगी? इसकी जो चक्रियता होगी वह कितनी होगी? एक। एक अंक के बाद वह क्या हो जाती है? वह संख्या जा रही। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन यह है कि अगर मान लीजिए एक, एक को बार बार मल्टीप्लाई करते चले जाए हम, तो क्या आ रहा है हमारा सदैव मान क्या आएगा? एक आएगा। इसकी भी चक्रियता जो होगी वो क्या होगी? साइक्लिसिटी जो होगी वह साइक्लिसिटी कितनी होगी आपकी? एक होगी। साइक्लिसिटी क्या होगी? एक होगी। लेकिन दो में ऐसा नहीं होता है। जैसे दो दुनी चार, कितना आया? चार। अगर इसी को हम तीन बार मल्टीप्लाई कर देते, दो गुड़े दो, कितना जाता? दो दुनी चार दुनी। अगर इसी को हम तीन बार चार बार मल्टीप्लाई करते, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े, कितना आ जाता? अगर इसी को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रहने देते तो इसका क्या होता? आंसर आता दो। यानी कि इसकी जो चक्रियता है दो चार आठ छः। अब जैसे इसको हम पांचवी बार मल्टीप्लाई करते, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो, कितना आएगा? दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, एक बार मल्टीप्लाई करिए, दूना कितना आ गया? बस यहाँ पर 16 आया था, यहाँ पर 8 आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप इकाई पहले क्या था? एक था। फिर कितना हुआ? चार हुआ। फिर कितना हुआ? आठ हुआ। फिर कितना हुआ? छह हुआ। लेकिन फिर कितना हो रहा है? दो। यानी कि चार प्रोसेस करने के बाद जो पांचवा प्रोसेस आ रहा है वहां पर हमें क्या हो रहा है? दो का इकाई अंक पुनः वही मिल रहा है जो पहली बार एक इकाई अंक दो का था। यानी कि यहाँ पे चक्रियता जो हो गई, दो की जो साइक्लिसिटी हो गई, वह साइक्लिसिटी क्या हो गई? साइक्लिसिटी जो हो गई वह हो गई कितनी? चार। यही होती है हमारी साइक्लिसिटी। इसी तरीके से आप तीन का भी चेक कर लोगे, चार का भी चेक कर लोगे, सभी का आप साइक्लिसिटी इसी तरीके से चेक करोगे। ठीक है, ये हमारी चक्रियता कहलाती है। चलिए साइक्लिसिटी को मैं आपको बता दूंगा, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां आपको मैं लिखाता हुआ चलूंगा साइक्लिसिटी कितनी होती है। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें तीन टाइप बनते हैं, इसके तीन सब टाइप है। पहला टाइप हम ए की बात करेंगे। टाइप ए में हम सीखेंगे जीरो एक कॉमा पांच और छह। जीरो और एक पांच छह की साइक्लिसिटी जो होती है, इसकी जो साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी जो चक्रियता होती है, इसकी जो चक्रियता होती है क्या? चक्रियता, इसकी चक्रियता जो होती है वह होती है एक। इसकी चक्रियता जो होती है वह कितनी होती है? एक होती है। यानी कि इसकी साइक्लिसिटी चक्रियता एक होगी,
इसका मतलब इस संख्या पर अगर किसी संख्या का इकाई अंक जैसे मान लीजिए 12340 है, इसकी पावर कुछ भी हो, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, इसकी पावर सदैव कुछ भी हो, इसका जो इकाई अंक होगा, इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, इसका इकाई अंक सदैव जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। चक्रीयता एक होने का तात्पर्य हुआ अगर कोई संख्या में 0 इकाई अंक 0.1 या 5 या 6 कुछ भी हो, अगर इसकी पावर कुछ भी दी हुई हो, कितनी भी पावर लगी हो, कितनी भी हैवी पावर लगी हुई हो, इसका इकाई अंक सदैव हमारा क्या होगा, वह स्वयं संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि 121 की पावर 121 मैंने बनाया। अब आप बताओ इसका इकाई अंक क्या होगा, इसकी साइक्लिसिटी 1 है, तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ऐसे आप 5 का ले लो, 5 की पावर कुछ भी हो, 125 की पावर मैंने ले लिया 1984, 125 की पावर 1984 जैसे मैंने लिया, इसका इकाई अंक आपने देखा कि इकाई अंक 5 है, तो इसको देखते ही माना बता दोगे सर इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, 5 होगा। जैसे ही आपने ले लिया 786 की पावर 123, जैसे ही आपने देखा सर इसका 786 जो बेस है उसका पावर जो है कितना है, उसका पावर कुछ भी हो, अगर बेस का इकाई अंक जो होगा हमारा 0156 होगा, उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, उसका बेस होगा। यानी कि अगर किसी संख्या का बेस का इकाई अंक, किसी संख्या के बेस में ये बेस यानी कि आधार का इकाई अंक 0156 होगा, उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, उसका इकाई अंक सदैव कितना होगा, उसका इकाई अंक सदैव वह की स्वयं संख्या होगी। यानी कि टाइप ए जो होगा इसमें आपको बताना है 0156 पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, वह स्वयं की संख्या होगी, उसका इकाई अंक सदैव वह स्वयं संख्या होगी जो उसका मान को बताएगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, अगर ये समझ में आ गया हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टाइप ए हो गया था, अब हम टाइप बी की बात करेंगे। टाइप बी की बात करेंगे। अगला जो बनेगा हमारा टाइप वह बनेगा के लिए 2, 3, 7, 8 के लिए। अगला जो टाइप बनेगा हमारा 2, 3, 7, 8 के लिए, या फिर आप पहले 4 और 9 को पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद 2, 3, 7, 8 पढ़ लेते हैं। ठीक है, 4, 9। अच्छा 4, 9 में एक ऑब्जेक्शन देखना है, यहाँ हो गया हमारा टाइप चेंज हो गया है, इसका टाइप 2 का सब टाइप है टाइप बी हो गया। टाइप बी में क्या कहता है, अगर हम देखें 4 है स्वयं में अगर कोई संख्या अगर अकेली है तो उसका इकाई अंक सदैव वह संख्या ही होगी, वह अंक ही होगा। जैसे ही हम 4 में 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 चौका 16, इसका इकाई अंक 4 हुआ, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 16, यानी कि इसका इकाई अंक 4। पुनः 3 बार मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 64। यानी कि यहाँ से देखा कि हर 2 अंक के बाद हमारा इकाई अंक क्या है, रिपीट हो रहा है, वह इकाई अंक पुनः आने लग रहा है। यानी कि जो इस प्रश्न की साइक्लिसिटी हो जाएगी, इसकी जो चक्रीयता हो जाएगी, इसकी जो चक्रीयता होगी वह कितनी हो जाएगी दोस्तों। अच्छा ये मैं चक्रीयता बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, एक बार रेलवे में यह पूछा हुआ है 4 के इकाई अंक की चक्रीयता क्या होगी, यह चक्रीयता कभी कोई डायरेक्ट पूछ लेता है आप एग्जाम में, चक्रीयता हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, आपको बताने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, चक्रीयता कभी डायरेक्ट पूछ लेता है किसी अंक दे देगा इस अंक के इकाई अंक की चक्रीयता क्या होगी, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यानी कि अगर इसकी घात, यहाँ देखो कि इसकी घात इसको हम लिख सकते थे 4 की घातें 1, इसको क्या लिख सकते, 2 बार मल्टीप्लाई किया यहाँ पे लिख सकते 4 की घातें 2, इसको हम क्या लिख सकते थे 4 की घातें, लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे।
आप लिख सकते हैं बहुत आसानी। दोस्त अगर चार की घात एक है तो इसका मतलब यह क्या हुआ, यह एक विषम घात। क्या है? विषम घात। और चार की घात दो है, यह क्या है? एक सम घात। यह क्या है? एक सम। अब ध्यान दो, अगर नौ का ऐसे ही कॉन्सेप्ट देखें, सम और विषम याद रखिएगा। अभी मैं इसके व्यू पे आता हूँ, इसको मैं किस लिए आपको सम और विषम घात को समझाया यहाँ पर। अगर नौ की बात करें, नौ की पावर एक, या फिर हम डायरेक्ट नौ को लिखना चाहें तो इसकी जो इकाई अंक होगा वो सदैव क्या होगा? नौ होगा। और नौ की पावर दो करें तो नाइन इंटू नाइन, इसका मतलब होगा 81। इसका मतलब क्या हो गया? 81 हो गया। अगर नौ की पावर तीन बात करें, नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन, इसका मतलब हुआ नौ एक कम नौ, नौ अठे बहत्तर, 729। नौ की घाते तीन क्या हो जाएगी हमारी? 729 हो जाएगी। अच्छा, इकाई अंक पहले नौ था, 9 से 1 हुआ, फिर इकाई अंक क्या हो गया? 9 हो गया। यानी कि यहां से पता चला इसकी साइक्लिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वह कितनी होती है? 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी होती है वह होती है 2। अच्छा, यहां पर तो अगर घात विषम है इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। और घात अगर सम है इकाई अंक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। यहां भी घात अगर विषम आ गई, विषम आ गया तो 9 सम आएगा, तो इकाई अंक कितना होगा? सम इकाई अंक 1, अगर विषम आता है इकाई अंक 9। अब चलो जी, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट आप कह सकते हो। एक तरीका और बताऊंगा आपको, दो तरीके बताऊंगा ऐसे प्रश्नों को करने का। जो पहला तरीका कहता है, वह पहला तरीका यह कहता है, अगर चार की घात को अगर आप देख रहे हो कहीं भी, अगर चार की घात पे कहीं भी, अगर चार की घात पे कहीं भी, चार की घात पे कहीं भी अगर पावर सम है, चार की घात अगर कहीं भी पावर सम है, इसका मतलब होगा उस सदैव कितना होगा? 100, 6 होगा। इकाई होगा, इकाई अंक सदैव 6 होगा। अगर चार की पावर विषम है, चार की घाते विषम है, उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? उसका इकाई अंक सदैव 4 होगा। इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 4 होगा। इसी तरीके आप 9 का बताओगे, 9 की पावर अगर सम है, 9 की पावर अगर सम है, इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 1 होगा। और इसका अगर 9 की पावर विषम है, और ये 9 की पावर अगर विषम है, इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 9। इसका इकाई अंक सदैव 9। अच्छा दोस्तों, कैसे पता करोगे आप? 4 चौक 16, 4 की पावर 2 चेक कर लो, 4 चौक 16, यानी कि इसका पावर क्या हो गया? 2 पावर होने का मतलब क्या? इसका पावर हो गया सम, और सम होने का तात्पर्य हुआ उसकी जो इकाई अंक होगा वह 6 होगा। और 4 की पावर 1 विषम है, 4 की पावर 1 एक पावर होगा, तो उसका इकाई अंक सदैव क्या होगा? 4 होगा। इसी तरीके से 9 की पावर अगर सम है तो 9 9 81, 9 की पावर को दो बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसकी पावर 2 हो गई, वह सम हो गया। और सम का मल्टीप्लाई जैसे ही आप करोगे उसका मतलब होगा 9 9 81। और 9 की पावर अगर है, 9 की पावर अगर 1 है, तो उसका मतलब हुआ वह पावर विषम है, और उसका मान सदैव कितना होगा? 9 होगा। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं, कैसा प्रश्न पूछेगा। अब मैंने पूछा, जैसे आप प्रश्न पूछा 1984 786, पावर कितनी पूछ लिया आपसे? 786। अब आपसे पूछ रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा? आपने जैसे ही देखा इसकी पावर कितनी है, 9, और 9 को सीधे ही कहा आपने इसकी पावर क्या है, पावर में आखिरी डिजिट देखोगे अगर 1 3 5 7 9 है तो इसका मतलब वह विषम है, 2 3 4 6 8 है तो इसका मतलब सम है, 1 3 5 7 9 है तो उसका मतलब विषम, अगर 0 2 4 6 8 है तो इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगी, उस पावर जो होगी सम होगी। यहाँ पे 6 है, यानी कि ये पावर क्या है, इसको आपने चेक किया सम है, यानी कि आपने डायरेक्ट कहा सर 9 9 81। इसका इकाई जो होगा, इसका यूनिट डिजिट जो होगा दोस्तों, इसका यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट डायरेक्ट आप बोल सकते थे 1 हो, डायरेक्ट क्या बोल सकते थे आप? 1 हो। अगर यह नहीं समझ में आता है, अगर यह नहीं समझ में आता है तो आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपकी जो ये पावर है, पावर को आप सबसे पहले साइक्लिसिटी से डिवाइड कर दो, यानी कि 4 और 9 के लिए पावर को किससे डिवाइड करोगे? 2 से। जैसे 2 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आ गया? 0। यदि शेषफल 0 आता है तो जो इकाई अंक होगा उसकी पावर 2 मानोगे, उसकी पावर कितनी मानोगे? 2 मानोगे। यानी कि 9 की पावर क्या मानोगे आप? 2। 2 मानने का तात्पर्य यह हुआ कि जो साइक्लिसिटी होगी
उसकी नंबर की चार और नौ साइक्लिसिटी दो है, यानी उस साइक्लिसिटी के बराबर उसकी क्या मानेंगे, पावर को मानेंगे। जैसे हमने उसकी पावर को माना, नौ पावर दो हुआ, इसका मतलब हुआ नौ नौ इक्यासी, यानी कि इसका जो इकाई अंक होगा दोस्तों, इसका जो इकाई अंक होगा वह कितना होगा, एक होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा, एक होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। ठीक है, एक नौ भी देख लेते हैं, चार पर देखा है, एक नौ पर भी देख लेते हैं। नौ पर क्या कह रहा है कि दोस्तों, अगर मान लीजिए, अच्छा नौ पर देखा तो मैंने चार पर देख लेते हैं, एक दो तीन चार की पावर, मैं कह रहा हूं एक दो तीन, एक दो तीन, अच्छा इसकी पावर देखिए, ध्यान दीजिए विषम है, और मैंने कहा था जैसे ही इसकी पावर इकाई अंक चार की पावर अगर विषम दिख रही है आपको, डायरेक्ट आप बता दो कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट जो होगा वह क्या होगा, सदैव चार होगा। अगर मैं यही कहता एक दो तीन चार की पावर सर मैंने 786 लिया, जैसे मैंने 786 लिखा, यहाँ पे आपने देखा इकाई अंक इसका क्या है, सम है, यानी कि इसकी पावर क्या होगी, सम हो गई, और सम होगा तो डायरेक्ट आप कहोगे सर इसका अगर सम है तो इसका इकाई अंक सदैव क्या होगा, अगर इकाई अंक चार है तो इकाई अंक सदैव क्या होगा, छह होगा। चार की पावर सम इकाई अंक छह, अगर चार की पावर विषम इकाई अंक एक, नौ की पावर सम इकाई अंक कितना एक, अगर नौ की पावर विषम इकाई अंक एक, नौ, नौ की पावर विषम इकाई अंक एक, नौ की पावर सम इकाई अंक नौ, नौ की पावर सम इकाई अंक एक, नौ की पावर विषम इकाई अंक नौ। ठीक है दोस्तों, बाकी अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, इसके आगे टाइप थ्री पढ़ेंगे, उसके बाद क्रमगुणित संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।